सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में बताने वाले हैं टॉप 10 फ्री टू प्ले गेम्स जो कि स्टीम पे अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में। एंड ये सब गेम को खेल के बहुत ही इंजॉय करोगे, जो कि मेरा लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। और आपको अपना लाइब्रेरी भी शेयर करने वाले, जिस लाइब्रेरी में मेरा सारा गेम्स हम रखे हुए, मतलब बेस्ट गेम्स, टॉप 10 बेस्ट गेम्स। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत मस्त मस्त गेम देने वाले हैं। एंड अगर यदि आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना, एंड वीडियो को लाइक भी कर लेना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। एंड सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल फ्री है। सो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस आ गए हम स्टीम पे। एंड आपको सबसे पहले हम बता देते हैं फ्री टू प्ले गेम्स कहाँ से आप डाउनलोड करोगे स्टीम से। सो सबसे पहले स्टीम पे आ जाने के बाद आपको आ जाना है मेन पेज पे, स्टोर पे। एंड स्टोर पे आने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। देन स्क्रॉल करने के बाद यहाँ नीचे शो होता है ब्राउज बाई जेनरी, एंड उसके नीचे शो होता है फ्री टू प्ले। तो फ्री टू प्ले पे क्लिक करके एंड बहुत सारे फ्री टू प्ले गेम्स खेल सकते हो। एंड ये गेम्स बिल्कुल मतलब फ्री है, एंड ये गेम स्टीम पे बिल्कुल फ्री में है। एंड उसके बाद आपको हम दिखाते हैं टॉप 10 फ्री टू प्ले गेम्स जो कि मेरा फेवरेट है, एंड आपको हम बताने वाले हैं। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपना लाइब्रेरी पे। एंड लाइब्रेरी पे आने के बाद ऑल पे क्लिक करते हैं। एंड ऑल पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो मेरा यहाँ पे फ्री टू प्ले गेम्स है। इसमें कुछ कुछ पेड गेम है तो इसको इग्नोर करो। सबसे पहला गेम्स है एपेक्स लेजेंड। अगर यदि आपको खेलना है मल्टीप्लेयर गेम्स तो एपेक्स लेजेंड आपके लिए बेस्ट रहेगा, एंड एपेक्स लेजेंड खेल को भी बहुत ही इंजॉय करोगे। सबसे पहला नंबर पे था एपेक्स लेजेंड, एंड एपेक्स लेजेंड को भी खेलना बहुत ही मजा आएगा। सो गाइस अब चलते हैं सेकेंड नंबर गेम पे, और सेकेंड नंबर गेम का नाम है कॉन्करर ब्लड। और कॉन्करर ब्लड भी बहुत ही बढ़िया गेम है, आप इसको भी खेल के ट्राई करना। एंड बहुत ही बढ़िया गेम है ऐसा मतलब, और एक सिंगल प्लेयर गेम है, ये मल्टीप्लेयर गेम नहीं है, स्टोरी मोड है। सो आप इसको खेल के इंजॉय कर सकते हो। और अगर यदि आपके पास बहुत सारा इंटरनेट है तो बहुत सारे गेम्स, मतलब मेरे चैनल पे इस टाइप का वीडियो आते रहता है, तो आप बढ़िया बढ़िया गेम्स भी खेल सकते हो डाउनलोड करके, क्योंकि इंटरनेट अनलिमिटेड है। सो थर्ड नंबर गेम पे आते हैं। थर्ड नंबर गेम का नाम है कॉन्ट्रा ब्रांड पुलिस पोर्लियोगी। सो ये भी गेम खेल के बहुत ही बढ़िया स्टोरी मोड है, और ये गेम हम खेले भी हैं। सो बहुत ही बढ़िया गेम है, एंड ये गेम बड़े बड़े क्रिएटर्स भी खेल रहे हैं अभी। सो अगर यदि आपको गेम खेलना है तो ये गेम ट्राई कर सकते हो। इसका स्टोरी मोड है, मतलब इसमें आपको कोई भी गलत बंदे कंट्री के बाहर, मतलब दूसरे कंट्री में ना चला जाए, उसके लिए पासपोर्ट चेक होता है। एंड कोई भी उसको मतलब जेल में बंद किया जाता है अगर यदि वो गलत पकड़ा जाता है तो। मतलब बहुत सारे स्टोरी है, आप खेल के देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो चलते हैं नेक्स्ट गेम के, और नेक्स्ट गेम है अपराइजिंग। अपराइजिंग भी बहुत ही बढ़िया गेम है, एंड हम पिछले वीडियो में बताए हैं अपराइजिंग भी बहुत ही बढ़िया गेम है। अगर यदि आप ये मल्टीप्लेयर गेम है, एंड इसको खेल के बहुत ही इंजॉय करोगे। और ये गेम बहुत ही कम एमबी का है, 218 MB का, एंड इसको खेल के बहुत ही इंजॉय करने वाले हो। सो चलते हैं नेक्स्ट गेम पे, और नेक्स्ट गेम है नेक्स्ट गेम है डिस्टिनी 2। और डिस्टिनी 2 भी बहुत ही बढ़िया गेम है। सो गाइस डिस्टिनी 2 भी एक मतलब उसमें रहता है बहुत सारे एनिमी रहते हैं, उसको मारना पड़ता है, एंड मिशंस रहते हैं, तो वो मिशंस को कंप्लीट कर सकते हो डिस्टिनी 2 में। एंड ये भी गेम बहुत ही बढ़िया गेम है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट गेम के और। सो गाइस नेक्स्ट गेम का नाम है DCS वर्ल्ड स्टीम एडिशन। और ये भी गेम मतलब ये हमको फाइटर गेम्स लगता है, मतलब फाइटर प्लेन्स वगैरह, इसमें हेलीकॉप्टर वगैरह है। सो आप इसको खेल के देखना, बहुत ही मजे आने वाले हैं। एंड अगर यदि आपको चाहिए हेलीकॉप्टर्स वगैरह का गेम, तो ये गेम बहुत ही बढ़िया गेम है आपके लिए। सो ये गेम खेल के भी आप बहुत ही इंजॉय कर सकते हो। सो अब चलते हैं नेक्स्ट गेम की ओर, और नेक्स्ट गेम का नाम है गिल्ड वॉर 2। ये भी गेम बहुत ही बढ़िया गेम है, और ये सब गेम खेलने के लिए आपको बहुत ही मतलब स्टोरेज चाहिए। तो अगर यदि आपके पास स्टोरेज नहीं है, और ये गेम डाउनलोड करने के लिए आपको चाहिए होगा 63.59 GB, और ये गेम खेल के भी बहुत ही एंजॉय करने वाले हो। ये सब गेम हम बता रहे गाइस, आप लोग बहुत ही मतलब हम रिसर्च करके एंड ढूंढ के ये लिस्ट लाए हुए हैं। सो अगर यदि आपको पसंद आ रहा है गेम, तो लाइक करने मत भूलना। सो गिल्ड वॉर को भी बहुत ही आप खेल सकते हो। अगर यदि आपको बहुत ही मतलब गेम खेलने का शौकीन है, तो आप नया नया गेम्स खेल के ट्राई कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट गेम पे, और नेक्स्ट गेम का नाम है पॉपी प्ले टाइम। और ये एक सिंगल प्लेयर गेम है, एंड पॉपी प्ले टाइम एक भूत वाला गेम है, नाम से ही पता चलता है।
सो और इसको भी खेल के बहुत ही मतलब अपने हिसाब से बहुत ही मज़े करोगे। अगर यदि आप आपको ज़्यादा हॉरर गेम पसंद है तो आप पॉपी प्ले टाइम खेल के बहुत ही इन्जॉय कर सकते हो। सो अब चलते हैं नेक्स्ट गेम के ऊपर। और गाइस नेक्स्ट गेम का नाम है वॉरफ्रेम। वॉरफ्रेम भी एक बहुत ही बढ़िया गेम है, लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा एनिमेशन है। तो एनिमेशंस वाले गेम्स मेरे को मतलब रियलिस्टिक गेम्स लाइक ओपन वर्ल्ड गेम्स मेरे को बहुत ही पसंद है। सो अगर यदि आपको वॉरफ्रेम पसंद आता है तो आप ट्राई करके देखना। एंड वैसे हमको भी मतलब पसंद है, लेकिन एनिमेशंस गेम थोड़ा हमको कम पसंद आता है। सो आप ट्राई करके देखना। एंड सो गाइस नेक्स्ट गेम है काउंटर स्ट्राइक, और ये गेम बहुत ही फेमस गेम है। काउंटर स्ट्राइक भी बहुत ही फेमस गेम है, इसीलिए मेरे लाइब्रेरी में है। एंड हम इसको खेल के भी ट्राई किए हैं, बट अभी मेरा गेम मेरे पीसी में नहीं है काउंटर स्ट्राइक। सो आप ये गेम को भी ट्राई कर सकते हो, एंड बहुत ही मजा आने वाला है ये गेम में भी आपको। और चलते हैं नेक्स्ट गेम पे, और नेक्स्ट गेम का नाम है क्राउच। क्राउच गेम भी बहुत ही बढ़िया गेम है। अगर यदि आपको मतलब फाइटर गेम और बैटल ग्राउंड गेम पसंद आता है तो आप क्राउच खेल सकते हो। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट गेम का, और नेक्स्ट गेम का नाम है रॉग कंपनी। रॉग कंपनी भी बहुत ही बढ़िया गेम है। एंड आपको अगर यदि इसमें भी ये भी एक फाइटर गेम है, लाइक शूटर गेम है, उसमें भी आप फाइट कर सकते हो एनिमी के साथ। सो ये भी गेम बहुत ही बढ़िया गेम है। अगर यदि आपको ये और ये मल्टीप्लेयर गेम है, आप इसको खेल के बहुत ही इंजॉय करने वाले हो। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट गेम के, और नेक्स्ट गेम का नाम है लॉस्ट एंड लाइट। लॉस्ट एंड लाइट भी बहुत ही बढ़िया गेम है, और सब गेम्स जितने गेम्स बता रहे सभी को सभी बढ़िया हैं। और ये मेरे लाइब्रेरी में है, और लाइब्रेरी में रहने का मतलब है बहुत ही बढ़िया गेम है, तभी हमने लाइब्रेरी में रखा है। एंड लॉस्ट ऑफ लाइट एक मल्टीप्लेयर गेम है, एंड इसको भी खेल के मतलब ये भी एक शूटर गेम है, बैटल ग्राउंड गेम है, इसमें भी आप फाइट करोगे मैदान में उतर के, मतलब दोस्त लोग के साथ भी खेल सकते हो, सेम पबजी के लाइक समझ लो। एंड इसको भी खेल के इंजॉय करो, बहुत इंजॉय करोगे। सो न्यू गेम एक्सपीरियंस कर सकते हो आप, इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करने मत भूलना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो दैट्स इट वीडियो गाइज, अब से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। Bye bye. I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. 'Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch. Nah, I don't complain.